आबकारी विभाग ने शुक्रवार को कच्ची शराब बनाने वालों के ऊपर छापेमारी की, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि टीम के साथ जंगहा थाना के राजधानी टोला, मंगलपुर, बसंतपुर एवं कटहरिया जंगल, रसूलपुर नंबर 2 के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी की गई। इस दौरान मौके पर विभिन्न जगहों से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और 4 कुंतल लहन को नष्ट किया गया, 6 भट्टियों को तोड़ा गया। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सूरज मौर्य पुत्र स्वर्गीय भोला मौर्य, दूसरी अर्चना मौर्य पुत्री शंकर मौर्य, तीसरी शीला पत्नी वकील, चौथी सुभावती पत्नी सीताराम, पांचवी साधु शरण पुत्र राम लखन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि 5 के ऊपर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। छापेमारी में मुख्य रूप से आबकारी सिपाही सौरभ कुमार, शिवेंद्र तिवारी, अशोक पाठक, मान सिंह, अजीत यादव, बसंत प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी ने कहा, और नीचे कोचा भैया क्या निकल गया हाँ चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? यो बाली बंगलो मार दो कई जगह। कुछ नहीं आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में चौरी चौरा तहसील के 2 गांवों में, कटहरिया में और मंगलपुर में दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें जिले की टीम की तरफ से सेक्टर 2 के आबकारी निरीक्षक और उनका स्टाफ था। लगभग 90 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, 4000 किलोग्राम लहन महुआ नष्ट किया गया है, 5 अभियोग दर्ज हुए हैं और 6 भट्टियों को नष्ट किया गया है। ये आगामी त्योहारों को मद्देनज़र कंटिन्यू चलता रहेगा।